सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और साथ में गुरु चांडाल, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही इस बार देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे महिलाएं, ऐसे माताएं जो लोग इस समय गर्भवती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। अदरवाइज आफ्टर डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का संभावना है। तो ऐसे माताएं जो लोग अभी गर्भस्थ शिशु को गर्भ में धारण करके रखे हैं, उनके लिए आने वाला समय थोड़ा सा समस्या युक्त होने का संभावना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, भय करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ माताओं के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने का संभावना है ऐसा कह रहा हूं, 100% आएगा ऐसा नहीं कह रहा, और इसका प्रभाव भिन्न भिन्न परिस्थिति में रहेगा। तो और उनको ज्यादा आने का संभावना है जिनके कुंडली में ऑलरेडी गुरु चांडाल है, गुरु पीड़ित अवस्था में है, या गुरु जिसके कुंडली में सर्वाधिक राहु केतु के साथ अवस्था है या डैमेज है, जिनके कुंडली में यानी जिस व्यक्ति के कुंडली में, और ऐसा समझें जिसके कुंडली में गुरु मजबूत नहीं है, यानी जिसके जिस जिस जाति का जातक के कुंडली में गुरु दुर्बल अवस्था में है और गुरु वहां पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है या नीच के गुरु हैं, इनके ऊपर गुरु चांडाल का प्रभाव कुछ आने का सम्यक संभावना बनता है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत हो जाएगा डर जाएं, ना प्लीज ऐसा ना डरें। अभी आप माताएं संतान को धारण किए हुए हैं और मेरा ये वीडियो आपके दिमाग में नेगेटिव प्रभाव डाले, इस सजगता के साथ बना रहा हूं कि ना डाले। केवल मेरा लक्ष्य आगाह करना है, मेरा लक्ष्य आपको अलर्ट करना है, अवेयर करना है, और यह वीडियो ऐसा होगा इसका कुछ भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, और भगवान को प्रार्थना करता हूं ये बात ना लगे, ना हो किसी के साथ। बना क्यों रहा हूं फिर? बना इसलिए रहा हूं कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं और कई कुंडली में ऐसा घटनाओं को देखा हूं अपने आसपास। जब जब आकाश में ऐसा गहरा गुरु चांडाल लगा और साथ में ग्रहण के तुरंत बाद लगा, और इस समय में जो लोग गर्भवस्थ अवस्था में रहते हैं उनको कंटिन्यूअस इसका इफेक्ट आता है, और ऐसे बच्चे जन्म होने के बाद माताएं पिताएं बड़े बड़े हॉस्पिटल पे दौड़ लगाते हैं। आप ऐसे प्रभाव में ना पड़े, बचें। खास इसी भावना और विचार के साथ शुद्ध पुत भावना से यह बात आपके समक्ष रख रहा हूं। पैनिक ना हो, चिंतित ना हो, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। मार्ग भी अपने अपने लेवल पे बता दूंगा और यूनिवर्सियल रेमेडीज भी कुछ बताने का कोशिश करूंगा, जरूर कुछ ना कुछ उसमें काम में आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में अनुभव है तभी कह रहा हूं। और मैं इसलिए ऐसे केसेस ज्यादा डील किया जिंदगी में, 31 32 33 साल के जो टाइम जोन रहा नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में, आयुर्वेद का बेस रहने के कारण मेरे पास ऐसे केसेस ज्यादा आए, जिसमें आप देखना बहुत सारे बच्चों को कुछ ज्योतिष और कुछ डॉक्टर बोलते हैं 14 साल में मर जाएगा, ऐसे कंडीशन पे जन्म हुआ है। कुछ लोग, कुछ बच्चे देखना जन्म हो जाते हैं ग्रोथ नहीं कर पाते, कुछ बच्चे देखना उनके अंदर चलो फिजिकल ग्रोथ अननेचुरल वे में हो गया लेकिन इंटरनल मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसे बच्चे जो धरती में आते हैं यही टाइम पीरियड रहता है, जस्ट आफ्टर ग्रहण और गुरु चांडाल लग गया, कंटिन्यूअसली ये इफेक्ट रह जाता है गर्भस्थ शिशु के ऊपर। मैं और ज्यादा बोलूंगा और डरोगे,
नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना इंगित कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे कभी देखना जो लोग जन्म से खटिया में पड़े हैं और कभी उठे नहीं, और आज उनका 30 साल उम्र हो गया है, 32 साल उम्र हो गया है। ऐसा एक दुर्योग बना था 1991 के आसपास जो बच्चे, और एक बना था, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी दिया था, जो मेरा एक मित्र था, जो मैं उसको श्मशान घाट में जाके वो वीडियो बनाया था, उसका अंत अवस्था में मैं लेके जा रहा था उसको, तो वो वही इफेक्ट था उसमें। लेकिन सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, 100 में से 5 का टारगेट बनता है उस प्रभाव में जब वो झेल नहीं पाते, और ये सर्वाधिक 3 इफेक्ट में होता है, एक राहु के और गुरु जाते जाते, जितना ज्यादा घना गुरु और राहु कॉन्साइड करेंगे, दूसरा गुरु से राहु दूर भाग रहा हो और यहाँ डिस्टेंस कवरेज कम हो, तीसरा जब गुरु उल्टा दौड़ते बकरी हो गया है और राहु की तरफ 2 बकरी प्लैनेट एक जगह में फिर से कॉन्साइड करने का आसपास आ रहे हों, डिग्री वाइज कम हो गया हो, और ऐसा स्थिति आप अपने कुंडली जरूर चेक करा लें, ऐसे गर्भस्थ माताएं, ऐसे पुरुष जो इस समय कोई आने वाला समय में संतान उत्पन्न करने जा रहे हों, और आकाश में भी ऐसा एक परिस्थिति बन रहा हो, तो ये इफेक्ट इम्पैक्ट बढ़ता रहता है, और ये सारे सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ। मैं पहला कहूंगा, आप कई बार उस लड़का को वीडियो में देखे होंगे जो मेरे साथ साथ घूमते रहता है, नाम लेना नहीं चाहता, अभी भी वो मैं उसका माता पिता मेरे पास छोड़ दिए कि इसका कुछ कर लो तो हो जाए, तो ऐसे कुछ हैं। ऐसे बच्चों के साथ मेरा ज्यादा रहा, क्योंकि ऐसे पेचीदा केसेस है जो इम्पॉसिबल टू हील एंड ट्रीट, लेकिन हम लोग भी कुछ पीछे नहीं हटते हैं, लगा के रखे हैं रिसर्च इसके ऊपर, और इसके ऊपर सारे हमारे जो भी ज्ञान है लगाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे अगर पकड़ लो, ये गुरु चांडाल किसी का तीसरा भाव में जन्म जन्म जात पड़ा, उस बच्चा जन्म हुआ तीसरा भाव में पड़ गया, ये जो भी हाथ में पकड़े डिस्ट्रॉय कर देता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ गुरु चांडल। हालांकि छोटा लगता है लेकिन इफेक्ट बहुत भयंकर। एक जो सर्वाधिक मैं देखा, ऐसा एक बच्चा जिसका गुरु चांडल के समय जन्म हुआ, 10म स्थान पे गुरु चांडल लगा, 10th गुरु चांडल, अब्बल किस्म के कामचोर आलसी ठग, नहीं काम करने वाला, बैठ के खाने वाला, दूसरे का दिया हुआ खाने वाला, भीख का खाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, मानसिक लेवल पे वो ग्रोथ नहीं है जो सही समझ पाए और सही कर पाए, तो मेंटल डेवलपमेंट में रुकावट, फिजिकल डेवलपमेंट में रुकावट, ग्रोथ नहीं हो पाना, शरीर के कुछ अंग नेचुरल छोटे होना, नेचुरल छोटे होना इन द सेंस, अगर ये 7म स्थान पड़ गया, किसी का तुला लग्न हो और 7म स्थान पे बना, या वृश्चिक हो, वृश्चिक बोल रहा हूँ, 8म स्थान में पड़ा ये कन्या हो गया, और इस समय कोई बच्चा जन्म हुआ, इस लग्न के अंदर जन्म हुआ, तो मैं ऐसे भी देखा हूं जिनका टेस्टिकल बॉल में डिस्टरबेंस, आंख में दृष्टि शक्ति में कमी, जन्मांध होना या अंधारकणा, रात को दिखाई नहीं देना, ये इम्पैक्ट है। ये सब इसलिए गिना रहा हूं कि ये आने वाला समय में जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के समस्या में ना पड़े, ये मेरा मकसद है, इससे ज्यादा और कुछ मकसद नहीं, कि डरा लूंगा आपको और फिर आपसे कुंडली उंडली दिखाओ और पत्थर उत्थर बंधवाओ और पैसा कमाओ, एकदम नहीं है सर, एकदम भाव नहीं है, कान पकड़ता हूं, और मत ही दिखाओ, जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं इतने में सब सही हो के पार हो जाओगे, मैं केवल ये इम्पैक्ट बता रहा हूं कि देखो ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है। ये मुहिम मैं विगत 2 साल से लगा रखा हूं कि भाई ये टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड बच्चा पैदा मत करो, गर्भधारण मत करो, करीब करीब 25 वीडियो में दिया रहूंगा, और कम से कम 40 वीडियो में इस बारे में मैं जिक्र किया हूं, नहीं समझे, और अभी भी कुछ लोग गर्भस्थ होके घूम रहे हैं। मैं अपना लोगों का बात कर रहा हूं, दूर का बात नहीं कर रहा हूं, उन गधों को भी नहीं समझा पाया तो आपको वीडियोस के माध्यम से क्या समझाऊंगा। चलो जो कर लिए कर लिए, अब उसका समाधान की ओर चलते हैं। सबसे पहला अनुभव से ही कह रहा हूं, ज्योतिषीय विचार नहीं कह रहा हूं, किसी भी ज्योतिष पुस्तक में अगर मिल जाए आपको रेमेडी तो
मेरे को भी आप जरूर नीचे किताब और पेज देना, मेरे पास हर किताब पड़ा हुआ है, पुराना से पुराना, नया से नया। तो क्या है वो रेमेडीज आज के कंडीशन पे? सबसे पहला श्री कृष्ण भगवान जैसे उस बच्चा को बचाए थे, किसे महाभारत युग चले जाओ, तो ये तो चलो उनके पास उस समय थे मंत्र शक्ति था, बचा लिए, ठीक है। अगर माताएं इस समय अलर्ट नहीं रहे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए जन्म होने का भी संभावना बन रहा है, बनेगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं, प्लीज सोचे नहीं, ऐसा नेगेटिव ना सोचे, मैं नेगेटिव एकदम आपके अंदर भय सृष्टि करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विगत इतना साल का अनुभव है और देखते देखते आ रहा हूं, इसलिए केवल आगाह कर रहा हूं, क्योंकि डबल हिट हो रहा है, एक ग्रहण सूर्यमा सूर्य और ग्राहु और चंद्रमा का, और उसके बाद ये गुरुचंडा, तो ये बनता है अनग्रोथ चाइल्ड का डिलीवरी होना। कुछ बच्चे जन्म होते हैं, देखना ये अवयव नहीं रहता है, अंग नहीं रहता है, लेकिन ये जनरल कंडीशन पे इसका एनर्जी, इसका संख्या कम रहता है, 1-2% रहता है अगर पूरे साइंटिफिक डिटेल निकालते हो, लेकिन ये जो ग्रह कंजक्शन बन रहा है ये कहीं 5 से 7 कदाचित 10 तक भी बढ़ सकता है 100 में से, लेकिन गारंटी नहीं है, ये संभावना है, बार बार कह रहा हूं, इसलिए भयभीत ना हो। नेक्स्ट बिंदु है समाधान रेमेडी, ये ऐसा नहीं हो। एक तो मैं अगर कहूं कि मेरा कोशिश रहेगा ऐसा ना हो, क्योंकि हम हवनी हैं, यज्ञ नित्य करते हैं, तो ये तो प्रार्थना चलते रहता है कि प्रभु ऐसा संतान धरती में ना आए, ऐसा किसी माता पिता को कष्ट नहीं मिले। लेकिन आप लोगों को भी इसके लिए कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला मृत्युंजय मंत्र का यज्ञ नित्य प्रतिदिन अगर हो सके तो ऑन द फॉर्म ऑन द बेस ऑफ अग्निहोत्र। आप सबको पता होना चाहिए, जो भी माता पिता गर्भस्थ अभी गर्भस्थ शिशु को धारण किए हुए हैं, नित्य रेगुलर अग्निहोत्र का अगर आप साधना करते हो तो ये अनमेच्योर्ड ग्रोथ या फिर ग्रोथ डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे बढ़िया है अगर अग्निहोत्र करते हो तो। दूसरा है महामृत्युंजय यज्ञ नित्य प्रतिदिन भले 11 आहुति हो चाहे करना चाहिए। नेक्स्ट इनके लिए मैं कहूंगा अगर पॉसिबल और संभव है तो इस दौरान लिप्स थेरेपी का उपयोग जरूर कर सकते हैं, पत्ता चिकित्सा, तो उसमें एक तो बृहस्पति केला और केला का पेड़ और केला का पत्ता, वो टाइम जोन पे उसका उपयोग करना। मैं इस वीडियो में उतना डिटेल पे नहीं जा पाऊंगा, उसके लिए मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 फॉलो करें, तो वहां पर बहुत सारा बात इसमें बताया गया है, और आचार्य संजय बाय गो कथा G75 संजय G75 चैनल में आप थोड़ा सा अंदर प्रवेश करोगे तो इसके ऊपर कुछ भी बहुत सारे डाटाज मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है जो माताएं अभी, अब कल एक माता को चमका के आया मैं, मेरा अपना ही है, दुकान में बैठी है, प्रेगनेंट है, 6 महीना का है, 6-7 महीना का है, और मैं तो 150 हूं तो डायरेक्ट तो खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा से काली खुट्टी सुना के आना पड़ा, प्यार से, ऐसा नहीं कि अभद्रता से, पूरे भद्रता के साथ, विनम्रता के साथ, अपने को छुप के, हम लोग 150 और भाई बहू सामने आमने नहीं आते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई का बीबी है तो डायरेक्ट मुंह खुल के बात नहीं होता है, वो पल्लू डाल के रहेगी, दूर में रहेगी, ऐसे बात करते हैं, तो मेरा कजन टाइप है, अपना नहीं, अपना तो दिल्ली में रहता है, वो तो बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, लेकिन ये कुछ तो सामने आ गया, तो मैं उनको समझाया कि भाई ये करना चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए, देखो बहुत सारे आज के डेट में अज्ञानता समझ लो, मैकोले एजुकेशन का इफेक्ट समझ लो, या मूर्खता समझ लो, बच्चा पैदा करके मोबाइल रेडिएशन के कंडीशन पे ना जाएं, ज्यादा मोबाइल पे फोन में बात ना करें, और 5G 4G अगर वाईफाई सीवियर रेडिएशन है टेस्ट करवा लो, उनके ऊपर थोड़ा सुरक्षित हो, या इस समय थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा है। मोबाइल में रामायण भगवत पढ़ने से अच्छा है किताब से पढ़ें और पाठ करें, पाठ का जो इम्पैक्ट है आपको नहीं पता है, बड़े बड़े समस्याओं को दूर करता है, और आपके अंदर का जो, देखो आप बोलोगे यार पाठ कर देने से ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े एम्स और डॉक्टर और अपेलो और
बड़े बड़े नर्सिंग होम, सब हैं, माफ करिए, डॉक्टर लोग हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा पार्ट से हो जाएगा। पार्ट के ऊपर बड़े सारे रिसर्च हो रखे हैं, हवन के ऊपर बड़े सारे रिसर्च हो सकते हैं। जब ऐसे गर्भवती माताएं पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, तो उनके अंदर एक रिवर्स, हर प्रकार के नेगेटिव कंडीशन का सर्कमस्टेंस को फेस करने के लिए केमिकल, एक हार्मोन क्षरित होता है जो गर्भवत शिशु को पूर्ण रक्षा करता है, और जो लोग नहीं पाठ करते हैं उनके अंदर वो चीज कम होता है। नेक्स्ट बिंदु है कि इस समय कंस्टिपेटेड फूड ना खावें, जितने भी हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी पैक्ड फूड है, डब्बा बंद फूड्स है, ऐसे भोजन जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को का कारण बनते हैं, वो उस प्रकार के भोजन श्रृंखला से बचना बहुत जरूरी है। ऐसा भोजन एकदम ना करें, ताकि जैसे आप कॉन्स्टिपेटेड भोजन करते हो, पेट में गैस बिल्डअप होता है, खट्टे डकार, अम्ल पित्त, एसिड बढ़ता है, और फिर वो ब्लड में जाते हुए बच्चे के ऊपर हार्म करता है। और ये टाइम पीरियड है जहां कॉन्स्टिपेशन नेचुरली बिल्डअप होंगे, एसिडिटी नेचुरली बिल्डअप होंगे, तो इस कंडीशन पे आप सभी महानुभावों को मेरा अनुरोध है, इन कंडीशन पे बचने के लिए जरूर करें, माला जरूर उठाएं। गर्भवती माताओं को मेरा अनुरोध है, माला लेके मृत्युंजय मंत्र का जाप, और अगर जिनके पास पहले से गुरु दीक्षित हैं तो वो अगर इस समय महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो भी ये काम में आएगा। नेक्स्ट, इस समय देख लो कि अगर आप लोगों का, जो गर्भवती माताएं हैं, 7.5 चल रहा हो, किनका? मकर, कुंभ, मीन। किनका? ढैया, वृश्चिक, कर्क, तुला का पनौती। तो पनौती में तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट, और किसको सावधान रहना है? जिनको जिनको सिंह लग्न राशि पंचम में आ रहा हो, यानी मेष राशि वाले, तुला राशि पंचम में आ रहा हो, यानी मिथुन वाले, और धनु राशि पंचम में आ रहा हो तो सिंह वाले, मेष राशि पंचम में आ रहा हो तो नेचुरली धनु का पंचम चला जाएगा, वो मकर का पंचम ब्रश हो गया। तो इनके ऊपर ज्यादा गुरु चांडाल का इफेक्ट आना, इनको सर्वाधिक सावधान रहना। और सबसे ज्यादा सावधान किसको? देखो, तुला राशि लग्न के ऊपर ग्रहण योग का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, मेष राशि के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, तो मेष राशि धनु वालों का पंचम, तुला राशि पंचम मिथुन वालों का पंचम। अगर ये लोग गर्भावस्था में हैं, अभी पेट में बच्चा है, और ये कंटिन्यूअस, ये अभी जिसका कम समय है, यानी वो बच्चा इतना लंबा तक गुरु चांडाल का फेस, और गुरु चांडाल का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? जीव, जीव माने गुरु बृहस्पति और राहु, ये गुरु को सफिशियंट एनर्जी कवरअप करने देता नहीं, तो इसीलिए इन कंडीशन पे आप लोग सर्वाधिक, देखो इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कहने से बड़ा नेगेटिव इफेक्ट लोग उल्टा सीधा करते हैं, एक को बता दिया गोमूत्र पीना तो बेटा वो पुराना गोमूत्र पिया, फिर घाव हो गया, फिर मेरे को तो उस दिन लग जाएगा। तो गोमूत्र पीने से पहले बढ़िया से समझें, आपको अभी गर्भवती माताओं को गोमूत्र पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही हल्दी खाने के लिए बोल दूं और बेटा शुरू हो गए सारे नौटंकी करने, तो इसीलिए मैं डब बताता नहीं डायरेक्ट, मैं पर्सनली रेमेडी देता हूं, क्योंकि इसके लिए दुष्प्रभाव होता है और लोग फिर उल्टा सीधा काम करते हैं, और फिर मैं दुखी होता हूं उनके लिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्प विद्या भयंकरी करते हैं। देख लिया कोई यूट्यूब में बोला तो बेटा शुरू हो गया गोमूत्र पीना, शुरू हो गया हल्दी खाना, शुरू हो गए केसर खाना, और ये नौटंकी शुरू हो गए ना। बढ़िया से टेक्निक को समझिए, आपको जिसको डाउट है, मेरे को इन विषयों पे डाउट है, एक बार यार पूछ लिया करो ना, व्हाट्सएप कर लो ना। जब इतना खर्चा करते हो डॉक्टर के पास जाके, इतना पैसा खर्चा करके नोचिंग होम में जाके आते हो, हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने में 5 रुपये देने के लिए दर्द लगता है, आज का डेट में 5 रुपया क्या है, तेल भर देते हैं गाड़ी में यार,
अच्छा, जो जो लोग सर्वाधिक बेचारे एकदम गरीब हैं नहीं दे सकते हैं, ऊपर लिख दो फ्री करके, देखेंगे जब जिस समय मेरे पास समय हो जाएगा, मैं आपका सीरियल में आ जाएगा। सिंपल प्रश्न उस उत्तर का बात कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आंसर का बात कर रहा हूँ। कुंडली दिखाने का तो मेरा वो जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो करना है, छोड़िए साथ में। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जो रेमेडीज है ऐसे कंडीशन पे अपने बच्चों को सर्वाधिक सुरक्षित करने के लिए, तो आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। फिर से मैं आखिरी में आप सबको पुनः कह दूं कि आपको वरीड होने का नहीं है, भय करने का नहीं है, फॉलोअप करें। बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं, हाँ ये जरूर है, बहुत सारे सभी चीज का रेमेडी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर प्रयास करोगे, चाहोगे, तो बहुत कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। और ओरिड होने का, टेंशन होने का, दुखी होने होने से और ज़्यादा बच्चे के ऊपर उसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम आ सकता है, और इसलिए थोड़ा सा जरूर सावधान रहना चाहिए। इस बिंदु विषय बिंदु के साथ विषय को यहाँ समापन करते हुए, मोबाइल नंबर 9437-580-589 और 9938-7241-8। धन्यवाद, नमस्कार।